जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो और इसके एक कोलैबोरेशन के बारे में जो हो रहा है आईआईटी बॉम्बे के साथ। बताया जा रहा है कि दोनों लोग मिलकर भारत जीपीटी पर काम कर रहे हैं। भारत जीपीटी एक इंडिविजुअल एआई मॉडल होने वाला है जो जेनरेटिव एआई पर बेस्ड होगा और इसकी मदद से लोग टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में मदद ले पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए प्रोफेसर रामकृष्णन जो आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इनकी मदद ली जा रही है। ये सारी बातें तब सामने आई जब आईआईटी बॉम्बे ने रिसेंटली अपना एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जहां जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को इनवाइट किया गया। आकाश अंबानी ने यहां पर कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुकेश अंबानी जो इनके पिता हैं वो हमेशा से चाहते थे कि आकाश अंबानी एक इंजीनियर बने लेकिन वो इंजीनियर बन नहीं पाए, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि आकाश अंबानी को इनविटेशन आया है आईआईटी बॉम्बे से। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर कोविड-19 के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के बारे में। बताया जा रहा है कि देश में इस वक्त 5000 से भी ज्यादा कोविड-19 के एक्टिव केसेस चल रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सरकार इसे इजीली मैनेज कर लेगी। यही रीजन है कि टॉप ऑफिशियल्स ने अपने बयान दिए हैं और कहा है कि हायरिंग पर इस बार कोविड-19 का कोई असर नहीं होने वाला और इतने केसेस के बावजूद वर्क फ्रॉम होम को जल्दी अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि ज्यादातर काम ऑफिस से ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है इनके स्टेटमेंट के बारे में कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे बिग फोर सीए फर्म्स में से एक पीडब्ल्यूसी के द्वारा किए गए एक सर्वे के बारे में। इस सर्वे में ग्लोबली कंपनी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए क्या है। तो यहां पर 39% के करीब ग्लोबल कंपनीज ने कहा है कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है ग्लोबल कंपनीज के लिए। अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज की तो यहां पर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इंडियन कंपनीज ने 38% की मेजॉरिटी के साथ कहा है कि देश में इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट साइबर अटैक से है और बहुत सारी कंपनीज ने एक्सेप्ट किया कि हमारी जो कंपनी है हमें लगता है कि काफी वल्नरेबल है व्हेन इट कम्स टू साइबर अटैक्स। दूसरे नंबर में देश के अंदर क्लाइमेट चेंज को रखा गया 37% के वोट के साथ। तीसरे नंबर पे रखा गया बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को 36% वोट के साथ और चौथे नंबर पे रखा गया बदलती टेक्नोलॉजी को 35% वोटेज के साथ। आपको क्या लगता है कि फिलहाल दुनिया भर की कंपनीज को किस बात से सबसे ज्यादा खतरा है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन इक्विटी मार्केट की तरफ से। अपडेट यह है कि इंडियन इक्विटी मार्केट ने साल 2023 के अंदर टॉप 10 ग्लोबल मार्केट को बीट कर दिया है। इस वक्त ये भी खबर आ रही थी कि साल 2023 के अंदर इंडियन इक्विटी मार्केट का साइज 4.16 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 24% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। अगर हम बात करें कि दूसरे स्पॉट पर कौन है तो दूसरे स्पॉट पर अमेरिकन मार्केट को देखा गया जिसमें 22% से ज्यादा की बढ़त आई है। अगर हम बात करें चाइनीज मार्केट की तो इसमें साल 2023 के अंदर भारी गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे आरबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में। आरबीआई ने रिसेंटली ये जानकारी दी कि हमारे देश के जो इंडियन बैंक्स हैं इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि जीएनपीए का जो रेशियो है वो पिछले 10 सालों में सबसे कम रह रहा है। ये भी बताया गया कि मार्च में ये रेशियो 3.9% था और अब सितंबर महीने में इसे 3.2% के करीब देखा गया। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 2018 से लेकर 2019 के बीच से ही इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो गया था। वैसे आपको क्या लगता है कि इसमें क्या वजहें हो सकती हैं, बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका की सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च की तरफ से। ये एक थिंक टैंक संस्था है जिसने रिसेंटली अपने एक रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस सेंचुरी के आखिर में यानी कि साल 2100 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी होगी। हमारी जो इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी से 90% ज्यादा ताकतवर होगी और वहीं यूएस की इकोनॉमी से ये 30% ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यहां पर मेंशन किया गया कि साल 2032 में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी जब हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। आगे इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास वर्ग है ये तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में जो यंग लोगों की पॉपुलेशन है इसमें भी काफी बढ़त आई है, इस वजह से भी हम स्पीड को अचीव कर पाएंगे। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की तरफ से। जोमैटो की तरफ से अपडेट यह है कि इनके ऊपर अब जीएसटी अथॉरिटीज ने 400 करोड़ से भी ज्यादा के शो कॉज नोटिसेस भेजे हैं और जोमैटो का कहना है कि हमारी यहां कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। यहां अथॉरिटीज का कहना है कि जोमैटो अपनी कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेता है और इस पर इन्होंने जीएसटी नहीं दिया है, इसलिए इन्हें यह अमाउंट पे करना पड़ेगा। जोमैटो का कहना है कि ये जो अमाउंट हम लेते हैं अपने डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पर लेते हैं और उन्हें ही पे कर देते हैं, इसलिए हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं होती है। और जोमैटो ने यह भी कहा है कि हम हायर कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से। सेबी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितनी इन्होंने लायबिलिटीज लगाई थी कि आपको अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट या
या फिर डीमैट अकाउंट पर अपने नॉमिनी को नॉमिनेट करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2023 के आखिर में, लेकिन ये अब बढ़ा दिया गया है अगले 6 महीने के लिए, यानी कि 30 जून 2024 तक आप इसमें अपने नॉमिनी को अपडेट कर सकते हो। ऐसा ना कर पाने पर आपके अकाउंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी करिए अपने नॉमिनी को अपडेट करिए। बताया जा रहा है कि 25 लाख के करीब ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर डीमैट अकाउंट्स हैं देश में एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने अपने नॉमिनी को अपडेट नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से। एनपीसीआई ने रिसेंटली पेमेंट प्रोवाइडर से कहा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन पे टैप एंड पे यूपीआई का फीचर एनेबल करना पड़ेगा। यहां पर एक नॉन फील्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से आप आसानी से यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और इसके लिए तय तारीख 31 जनवरी 2024 को रखा गया है। यानी कि जितने भी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उन्हें 31 जनवरी 2024 तक इस फीचर को एनेबल करना पड़ेगा, वरना यहां पर एनपीसीआई कुछ एक्शन भी ले सकता है। फिलहाल पेटीएम और भीम ऐप पर ये फीचर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेस्ला की तरफ से। बताया जा रहा है कि अमेरिका में टेस्ला के गीगा प्लांट में एक बड़ा हादसा हो चुका है। यहां पर एक रोबोट ने एक टेस्ला इंजीनियर पर अटैक किया है और ये काफी ब्रूटल अटैक था जिसकी वजह से टेस्ला इंजीनियर को काफी इंजरी भी आई है। यहां पर बताया गया कि उस इंजीनियर ने रोबोट की गलत प्रोग्रामिंग कर दी थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। वैसे क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं आगे चलकर भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं इंसानियत के लिए? कॉमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बच्चों के रिटेल स्टोर फर्स्ट क्राई की तरफ से। फर्स्ट क्राई की तरफ से अपडेट यह है कि साल 2023 में इनका जो रेवेन्यू है ये 5,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके लॉसेस भी 500% से ज्यादा के बढ़ चुके हैं। साल 2022 में इनके लॉसेस 78 करोड़ के करीब थे, वहीं साल 2023 में इनके लॉसेस 483 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्राई साल 2024 में अपना आईपीओ लेकर आ रहा है जिसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्साइटेड हैं। क्या आप भी फर्स्ट क्राई के आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी राजीव चंद्रशेखर की तरफ से, जिन्होंने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है फ्रॉडुलेंट ऐप्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं ये कोई भी फ्रॉडुलेंट ऐप का एडवर्टाइजमेंट नहीं रन कर सकती हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन भी लिए जा सकते हैं। वैसे कई बार देखा जा रहा है कि बहुत सारी चाइनीज लोन ऐप्स हैं जिनका सोशल मीडिया पर प्रचार होता है और बाद में भोले भाले लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे अपने इसमें लूज कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जिसमें जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने एक बार फिर से रीअपॉइंट किया है अतनु चक्रवर्ती को एज इट्स न्यू चेयरमैन। बताया जा रहा है कि इनका जो टेन्योर है ये सेकंड टाइम के लिए रह रहा है और इसकी शुरुआत 5 मई 2024 से होने वाली है। अतनु चक्रवर्ती यहां पर पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इसके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे देश में दो बड़ी आईटी कंपनीज के बीच में चल रही विवाद को लेकर। रिसेंटली बताया जा रहा है कि इंफोसिस ने एक लेटर राइट किया है कॉग्निजेंट को और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंफोसिस के जो टॉप सीनियर एम्प्लॉइज हैं ये अब कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इंफोसिस के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर इंफोसिस का कहना है कि कॉग्निजेंट इलीगल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहा है जिसके तहत इसके जो टॉप लीडर्स हैं वो कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एलिगेशन पिछली अपडेट में हमने बताया था कि किस तरीके से विप्रो ने लगाया है, जहां पर इनके एक्स वीपी ने कॉग्निजेंट को कुछ ही महीनों के अंदर ज्वाइन कर लिया था और कहा जा रहा था कि विप्रो अब एक बड़ा एक्शन भी ले सकता है। वैसे क्या आपको लगता है कि कॉग्निजेंट एक अनएथिकल प्रैक्टिस रन कर रहा है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक ने रिसेंटली एनसीएलटी को अप्रोच किया है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया है ताकि जी लर्न जो कि एक जी ग्रुप की बड़ी कंपनी है इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलाई जाए। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक का एक बहुत बड़ा अमाउंट जी लर्न में फंसा हुआ है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये यहां पर एनसीएलटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी लर्न के ऊपर एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलाई जाए। इसके पहले यस बैंक ने भी सेम अप्रोच अपनाई थी क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा अमाउंट जी लर्न में फंसा हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या जी ग्रुप की जो मुश्किलें हैं ये कभी कम हो पाएंगी? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सभी बैंक्स और एनबीएफसीज को एक बड़ी हिदायत दी है और इस हिदायत में कहा गया है कि आपको अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, यानी कि मजबूत बनाने की जरूरत है। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आगे चलकर जो डिपॉजिट्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस पर इंपैक्ट होगा और आपके प्रॉफिट्स भी मॉडरेट हो जाएंगे, इसलिए आपको अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करने की जरूरत है। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज की और बैंक्स की तारीफ भी करी कि किस तरीके से इनका जो प्रदर्शन है वो साल दर साल बेहतर होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बात भी याद दिलाई कि किस तरीके से जो एनपीएस है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो यहां
यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक जरूर शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ये इनसाइट्स, इससे ज्यादा बेहतर इनसाइट्स और साथ ही में क्विजेस भी खेलने को मिल जाएंगी। तो फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।